तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तीन टाइप्स के फ्रिक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्या है देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है, और थर्ड आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखिए दोस्तों, इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस। ये फ्रिक्शन होता है दो सर्फेसेस के बीच में। यहाँ पे देखिए, एक ये सर्फेस और दूसरा ये ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का सर्फेस और ब्लैक कलर का सर्फेस, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन सर्फेस टेंड्स टू मूव ओवर द अदर, मतलब एक सर्फेस दूसरे सर्फेस पे मूव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, बट नॉट मूविंग। मतलब ये रेड कलर के ऑब्जेक्ट पर आपने एक छोटा सा फोर्स लगाया यहाँ पे, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट उधर मूव करना चाह रहा है लेकिन ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट उसको उधर मूव करने से रोक रहा है। तो आपने यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाया, तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, एक छोटा सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा जो इस ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोक रहा है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तब जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़िए, इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस, इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन सर्फेस टेंड्स टू मूव ओवर द अदर, व्हेन वन सर्फेस टेंड्स टू मूव ओवर द अदर बट एक्चुअली नॉट मूविंग, ठीक है। तब जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ देखते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है देखिए दोस्तों, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन सर्फेस एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द अदर, मतलब एक सर्फेस दूसरे सर्फेस पे स्लाइड कर रहा है, मतलब मोशन में एक्चुअली मूव कर रहा है। तब जो भी फ्रिक्शन होगा इसके बीच में दोस्तों उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम देखिए, सबसे पहले तो आपने छोटा सा फोर्स लगाया, छोटा सा फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं होगा ऑब्जेक्ट। तब जब इस इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पे फोर्स बढ़ाते गए दोस्तों, कभी ना कभी तो ये मूव होगा ना, ओके। तो जब ये मूव होना स्टार्ट होगा तब जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों के बीच उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब ये मूव नहीं कर रहा है तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा दोस्तों काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उन दोनों के बीच, ओके। तो फिर रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इट इज फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी इज रोलिंग ओवर द अदर। इसका मतलब क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है दोस्तों जो दो बॉडीज़ के बीच होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल हो रही है। एग्जांपल, हमारा जो व्हीकल जो है, गाड़ी जो है हमारी, उसका जो व्हील होता है दोस्तों, उस व्हील और रोड के बीच जो भी फ्रिक्शन होगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे हम, ओके। जैसे कि बॉल बेयरिंग देखिए कैसा होता है, बॉल बेयरिंग में एक होती है इनर रेस, ये इनर रेस होती है जो कि शाफ्ट पर माउंट की गई होती है, और इसके बीच छोटे छोटे बॉल्स होते हैं दोस्तों, ओके। इसके बीच छोटे छोटे बॉल्स होते हैं और इसके बाहर जो होता है एक आउटर रेस होता है, ओके। ये आउटर रेस, इस आउटर रेस को हम सपोर्ट करते हैं, ओके। तो जब ये शाफ्ट देखिए ऐसा, यहाँ पर शाफ्ट है, ये शाफ्ट जब घूमेगा तो ये इनर रेस के साथ घूमेगा, इनर रेस के साथ घूमेगा तो ये बॉल्स रोल होंगे इसके बीच, ओके। तो ये आउटर रेस के ऊपर भी रोल होंगे, तो ये बॉल के बीच और इनर रेस और आउटर रेस के बीच जो भी फ्रिक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसी वजह से दोस्तों देखिए बॉल बेयरिंग में यहाँ पे देखिए रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों टाइप के फ्रिक्शन की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कौन सा फोर्स, अगर ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव नहीं हो रहा है, टेंड्स टू मूव हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों आपने यहाँ पे एक न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर का जो सरफेस है ये इस रेड कलर के सरफेस पर इस डायरेक्शन में एक न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, ओके। आपने यहाँ पे एक न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी एक न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा, तो इस फोर्स को दोस्तों फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आपने यहाँ पे दो न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी दोस्तों दो न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। आपने यहाँ पे दस न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी दोस्तों दस न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा ये, ओके। इसीलिए दोस्तों इस फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, ओके, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये जो है दोस्तों अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है इसके हिसाब से, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। अब जैसे जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ओके। और एक कंडीशन ऐसे आएगी दोस्तों जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, ये एफ मैक्स पे पहुँच जाएगी। एफ मैक्स मतलब इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ये सर्फेस नहीं लगा सकता इस पर, ओके। मान लेते हैं इस एग्जाम्पल के लिए ये वैल्यू है 25 न्यूटन, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है 25 न्यूटन, ये ब्लैक कलर का सरफेस, इस पर मैक्सिमम इतना ही फोर्स लगा सकता है, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। तो अब फिर से देखते हैं, आपने मान लेते हैं यहाँ पे एक न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी एक न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा, बॉडी मोशन में नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक न्यूटन का फोर्स लगा सकता है यहाँ पे। आपने यहाँ पे देखिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा, अभी भी बॉडी मूव नहीं होगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, ठीक है। आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी 20 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा, अभी भी बॉडी मूव नहीं होगी। अब क्या किया आपने, यहाँ पे दोस्तों 25 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे 25 न्यूटन का फोर्स जनरेट करेगा, अभी भी बॉडी मूव नहीं हुई है लेकिन होने वाले है, ठीक है, बॉडी अब स्टार्ट होगी मूवना। अब आपने 25.1 न्यूटन फोर्स थोड़ा सा बढ़ा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, ये मोशन में चला जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को दोस्तों क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
या फिर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों और समझते हैं एक बार। डेफिनेशन देखिए, जस्ट बिफोर द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो आप बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, बिकम्स मैक्सिमम मतलब क्या है, जब ये बॉडी स्टार्ट होना मूव करेगी उससे जस्ट पहले इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है दोस्तों। इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को ही दोस्तों लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है, और ये लिमिटिंग फोर्स एफ एल लेटर से दिखाते हैं, एफ एल लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप यहाँ पे एफ एस भी यूज़ कर सकते हो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ एल यूज़ करेंगे, आपके जो टेक्स्ट बुक में एफ एल यूज़ किया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहला लॉ क्या है, देखिए पहला लॉ है दोस्तों ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट रखा गया है दोस्तों एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे एक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, वेट कितना होता है mg, इसकी वजह से ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये हम देख चुके हैं। अब आपने क्या किया दोस्तों, अब आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया और फोर्स बढ़ाते गया आप, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव मतलब मूव होने ही वाला है, तब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होती है दोस्तों, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है मतलब एफ एल होती है, और ये कितनी होती है, ये अप्लाइड फोर्स जितनी होती है, ये हम देख चुके हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच का रिलेशन हमें दिया गया है फर्स्ट लॉ के अंदर, ये रिलेशन क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो इसको इक्वल टू साइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए एफ एल इज इक्वल टू, हमें क्या लेना होता है, हमें यहाँ पे लेना होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इंटू एन, ठीक है, सो एफ एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एन, और इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, सो एफ एल इज इक्वल टू जो दिखाया जाता है म्यू एस से, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस का मतलब है स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन, ठीक है, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों दो मटेरियल्स के लिए सेम होती है, मतलब अगर ये वुड का है, ये भी वुड का है, तो इसके लिए सेम होगी, ये ग्लास का है, ये भी ग्लास का है, तो इसके लिए एक वैल्यू आपके टेबल में यहाँ पे दिख रही है, देखिए दोस्तों वो वैल्यू होगी, एल्यूमिनियम ऑन स्टील के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, टेफ्लॉन ऑन टेफ्लॉन के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, ये टेबल में वैल्यूज दिखाई गई हैं, तो ये म्यू एस डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, सो दिस वैल्यू म्यू एस डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन वॉट मटेरियल। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सेकेंड लॉ देखिए दोस्तों, ये एफ एल की जो वैल्यू होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, ये देखिए इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ये एफ एल की वैल्यू एरिया पे नहीं डिपेंड करती अगर एन सेम होगा, तो इस केस में भी मान लेते हैं तीनों का वेट सेम है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन भी एन है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन भी एन है, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन भी एन है, वेट सेम है इसकी वजह से, ठीक है, तो इस केस में भी एफ एल की वही वैल्यू होगी, इस केस में भी एफ एल की वही वैल्यू होगी, इस केस में भी एफ एल की वही वैल्यू होगी, क्योंकि एफ एल जो है ये दोस्तों एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ओके, अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है, ये मटेरियल सेम है, ओके, तो इनके बीच के जो एफ एल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, देखिए ये जो एफ एल है, ये एफ एल डिपेंड करता है दोस्तों मटेरियल के ऊपर, ठीक है, मतलब अगर ये मटेरियल्स सेम है तो वैल्यू सेम होगी, अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो ये हम देख चुके हैं, अगर ये मटेरियल अलग अलग होंगे तो एफ एल की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए एफ एल किस पे डिपेंड करता है, म्यू एस पे डिपेंड करता है और एन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो अगर मटेरियल अलग होगा तो म्यू की वैल्यू अलग होगी, मतलब एफ एल की वैल्यू अलग होगी, ये तीसरा लॉ है, तो फर्स्ट लॉ को ही थोड़ा सा बदल के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी होगी दोस्तों, एफ एल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, ना कि सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड होता है एफ एल की वैल्यू दोस्तों, ये नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर भी होता है, ओके, मतलब मान लेते हैं कि अगर सरफेस सपोज यहाँ पे रफ सरफेस है, मटेरियल वही है लेकिन सरफेस रफ है, ओके, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे मटेरियल वही है लेकिन सरफेस स्मूथ है, ठीक है, दोनों भी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर रखे गए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों के लिए एफ एल की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट रफ है तो इसके लिए एफ एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे देखिए स्मूथ है तो यहाँ पे एफ एल की वैल्यू कम होगी, सो एफ एल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस अल्सो, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये लॉज भी खत्म होते हैं, एक एग्जांपल हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो पेज नंबर 110 के ऊपर देखिए एग्जांपल नंबर 6.5, ये एग्जांपल दोस्तों थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल को रीड करिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास 0.25 kg एंड अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस इज 0.4, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट, आगे बोलना है दोस्तों आपको, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव, ये लिखना होगा आपको, क्वेश्चन में ये देना चाहिए था, ठीक है,
तो फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक है दोस्तों, इस ब्लॉक का जो मास है वो मास कितना दिया गया है आपको देखिए 0.25 kg एंड अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस इज 0.4, मतलब इस ब्लॉक के और इस हॉरिजॉन्टल सर्फेस के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.4। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट, मतलब आपको यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो फाइंड आउट करना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, मतलब ऑब्जेक्ट अब जस्ट मूव होने वाला है तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा दोस्तों वो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, ये होता है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू तो आपको दी गई है, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एन कितना होता है दोस्तों, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जितना इसका वेट होता है एम जी उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन होती है, एन इज इक्वल टू एम जी होता है, ये हमें पता है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी सेम होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो एम की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 0.25 kg, जी की वैल्यू आप 9.8 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एन इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू जी विच इज इक्वल टू 0.25 इंटू 9.8, ओके। तो सिंपली आपको ये म्यू की वैल्यू, ये एम जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सो म्यू इज इक्वल टू 0.4 इंटू एम इज इक्वल टू व्हाट 0.25 इंटू 9.8, ठीक है। सो 0.4 इंटू 0.25 ये होता है दोस्तों 0.1 इंटू ये हो जाएगा 9.8, 0.1 इंटू 9.8 0.98, एक डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दोस्तों 0.98 होगा, लेकिन आपको पूछा क्या गया है दोस्तों, आपको ये फोर्स पूछा गया है, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम ही होता है, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू व्हाट 0.98 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट पर आपने अगर इतना फोर्स लगाया तो ये जस्ट मूव करने वाली है अब, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर जो बचा हुआ पार्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।